बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद इस्माइल वीकली रैपअप के साथ हाजिर है। इस वीक की क्लोजिंग देखें तो एक तरह से समझे डोजी फॉर्म हुआ है, लेकिन इसमें यह है कि ये अपसाइड पे नहीं है। अपसाइड पे अगर होता हैमर फॉर्म में या इन्वर्टेड हैमर फॉर्म में तो ये बेयरिश सिग्नल दे रहा होता है। अभी भी देखें, मैंने इसमें यहाँ पे आपके साथ मंथली जब शेयर किया था तो इसने ये यहाँ पे ये इसको जो एनगल्फ किया था बेरिश कैंडल ने, तो उसके बाद हमने दो तीन तीन सेशन जो है उसके बाद दो सेशन एक्चुअली दो सेशन जो थे वो हमने बेरिश देखे इस, और इसको हम टेक्निकली बोलते हैं थ्री ब्लैक क्रोज। जब थ्री ब्लैक क्रोज बन जाती है तो उसके बाद जो है कोई एक डोजी फॉर्म होता है, डोजी के बाद कोई बुलिश कैंडल फॉर्म होती है तो मार्केट अपसाइड मूवमेंट करती है, या डोजी के बाद कोई बेरिश कैंडल फॉर्म होती है तो मार्केट डाउनसाइड मूव करती है। तो अभी इसमें भी वही सिनेरियो देखें, यहाँ पे भी जिस तरह हुआ था डेली में देखें तो एक इसको एनगल्फ किया था, तो इसी तरह अब इसने ये एक बेरिश कैंडल को एनगल्फ किया बुलिश कैंडल ने, और वॉल्यूम देखें ऑन डेली पे तो अच्छे वॉल्यूम जनरेट हुए 227 या तकरीबन समझे 228 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ, और स्प्रेड भी अच्छा इसमें नजर आया हमको। तो वीकली में अगर देखें, आवरली पे भी देख लेते, चले एक नजर डाल लेते हैं। देखें आवरली पे भी मार्केट काफी बुलिश परफॉर्म करती रही, स्पेशली जो न्यूज आई थी इसकी एमरजेंट मीटिंग के हवाले से कि भाई एक जो है स्टेट बैंक की तरफ से एक एमरजेंट मीटिंग रखी गई है मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से, इसको रेट कम करने हैं क्योंकि इन्फ्लेशन रेट कम हुआ है, इसका मैंने भी पोस्ट भी शेयर की है। तो हो सकता है इसकी वजह से जो है मार्केट ने इम्पैक्ट लिया, तो हो सकता है कि ये आगे जाके कोई ऐसी मीटिंग हो जो प्री शेड्यूल हो और इसको जो है अनाउंस किया जाए कम करने के लिए। तो अगर ये इसमें बिटवीन 100 टू 200 बेसिस पॉइंट अगर कमी होती तो मार्केट आगे मजीद और बुल रन दिखा सकती है। प्लस सऊदी जो है वो आए हुए डेलीगेशन, तो तकरीबन 30 कंपनियां हैं, 30 कंपनीज हैं, उनके जो है रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ये भी एक अच्छी खबर है। इकोनॉमिक के हवाले से तो अच्छी खबरें आ ही रही हैं, और पीआई की प्राइवेटाइजेशन की भी खबर आई है, तो न्यूज तो अच्छी है। तो आगे देखते हैं तो ये मार्केट अच्छी परफॉर्म कर सकती है। अच्छा, वीक में मैंने आपको बताया था जब ये मैंने मंथली रिव्यू दिया था तो उसमें मैंने बताया था कि आवली में जो है मार्केट ओवरसोल्ड पे है, और यहाँ से तकरीबन 700 600 500 600 500 ये जो मैंने बताया था यहाँ से, और ये यहाँ तक डिप लेके आगे परफॉर्मेंस कर सकते हैं, यहाँ से हम बाउंस बैक देख सकते हैं। ये वाला लेवल जो है इसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ, ठीक है ना, ये वाला लेवल जो मैंने कहा था वो आप मेरी वीडियो देख लीजिएगा, 69,700 800 900 ये सब लेवल जो है यहाँ तक भी आ सकता था, विक बन सकती थी, लेकिन देखें यहीं पर ही विक बन गई। इसका जो लोअर बैंड था मैंने आपके साथ शेयर किया था, क्योंकि मार्केट नीचे आ रही थी तो सीपीआर के जो बैंड हैं वो नीचे आ रहे थे, अपर बैंड, मिडिल बैंड, लोअर बैंड, ठीक है। तो अभी भी इसी को कंसिडर करेंगे क्योंकि वीकली पे जो है अभी मार्केट जो है 72,000 के ऊपर क्लोज नहीं हुई है, तकरीबन ये 72,167 बनता है, और टू बी ऑन द सेफ साइड 72,200, ये मैंने ग्रुप में बता दिया था कि 72,200 से ऊपर मार्केट सस्टेन करती है तो हम इसमें मजीद अपसाइड दे सकते हैं। और पिछली वीडियो मैंने ये भी कहा था कि 73,600 या मार्केट यहाँ से ना 73,300 से वापस बाउंस बैक हुई है, डाउन साइड पे आई है, और जो मैंने पीवीटेल इसका रेजिस्टेंस बताया था वो 73,600 का था, उसको उसने रीटेस्ट नहीं किया, उससे पहले मार्केट यहाँ पे आई, तो मैंने कहा था हो सकता है कि अगर उसने इसको रीटेस्ट नहीं किया है तो आने वाले दिनों में इसको रीटेस्ट करें, और हो सकता है कि अच्छी जिस तरह न्यूज आ रही है तो इकोनॉमी के हवाले से तो हो सकता है मजीद आगे इसमें जा सकता है, कहां तक कि मैं चले मैं इस वीडियो में दोबारा बता देता हूं, लेकिन इससे पिछले वाली वीडियो मैंने बताया हुआ है फिबोनाची रेशियो के हिसाब से। ये देखें यहां से ये मार्केट ने डाउन साइड दिखाया था 67,000 से लेके फिर ये तकरीबन 58,800 700 के करीब मार्केट आई थी, मैं यहाँ से बता देता हूँ आपको, इसने हाई किया था 67,093 का, और इसने लो किया था, इसको यहाँ कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना, इसने लो किया था ये 58,758 का, ठीक है। तो ये मैंने रफली यहाँ से ले लिया है, और यहाँ से देखें अपसाइड मूवमेंट जो है ये यही लेवल आ रहा है 72,132 का,
फिबोनाची का रेशियो जो है, आप इसकी सिंक्रोनाइजेशन देखें, ये गोल्डन रेशियो हुआ, ठीक है, इसने थोड़ा सा और अपसाइड दिखाया है लेकिन क्लोजिंग अभी इसके नीचे आई है 71,900 के करीब। तो हो सकता है आने वाले दिनों में इसको ये ब्रेक करे तो आने वाले इसके बाद जो है ये एक्सपोज हो जाएगा। वीकली पे बता रहा हूँ, अगला जो है 2.618, ठीक है, ये वाला मैं यहाँ पे ये किया हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ, रेड कलर उसको दे देता हूँ, ये अगला रेजिस्टेंस हो सकता है। लेकिन बीच में वही मैंने बताया डेली पिविटल रेजिस्टेंस आ रहा है 76,200 300, ये जो है यहाँ पे ये सॉरी 73,600, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ यहाँ पे डेली पिविटल, इससे थोड़ा सा ऊपर है 73,600 700, मैं ये की कर देता हूँ एक राउंड फिगर में तो नहीं आ रहा है बार छे, बस ये समझ ले 73,600 700 ये रिटेस्ट हो सकता है आने वाले दिनों में, ठीक है। और फिबोनाची के हिसाब से मैंने आपको बता दिया है कि ये वाला लेवल जो है 80,300, ये फिर ये एक्सपोज हो जाया जाएगा, हो जाएगा 80,000 80,000 समझ ले, 80,374, ये सब प्लस माइनस होता रहता है। तो यहाँ पर अभी देखें जैसे मैंने लास्ट में भी कहा था, लेकिन अभी फिलहाल अभी तो ये एक्सपोज नहीं हुआ है जब तक ये इसको ब्रीच नहीं करता 69,700 600, तो ये वाला फिर वापस जो है जो यहाँ से हमने ये इसका इसको ब्रेक किया था 67,000, वो भी आ सकता था, लेकिन अभी इसको बात करना बेकार है क्योंकि अभी हम आगे की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ परफॉर्म कर रही है। जब मार्केट ये इसके नीचे परफॉर्म करेगी ना 69,700, तो फिर हम ये लेवल का जिक्र करेंगे कि भाई आने वाले दिनों में ये लेवल डाउन साइड पे ये मार्केट रिट्रेस कर सकती है, लेकिन अभी हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। अभी हम आगे की तरफ देखेंगे कि ये जरूरी है 76,600, इसके बाद देखते हैं इसको सस्टेन करती है तो फिर अगला जो है पड़ाव वीक बेसिस पे 80,364। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात मैं आपको जरा समझा दूं, देखें इंडेक्स जो थे यहाँ इसके मुकाबले में देखें तो यह तकरीबन 1.16, ठीक है ना, यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है 1.16, ये यहाँ पे देखें तो 1.16% जो है इंडेक्स नीचे आया है, लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा ड्रॉप हुआ है, ये आप जरा ध्यान में रखिएगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन डिक्रीज हुआ है 2.2% एज कम्पेयर टू लास्ट वीक में देखें तो मार्केट कैपिटल ज्यादा ड्रॉप हुआ है बनिस्बत इंडेक्स के। तो ये थोड़ा सा वीक साइन, मतलब यूं कह लेंगे इसको इसको रन करने, मैं जैसे बताता हूँ मेरा मेन इंडिकेटर जो है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ता है इंडेक्स इतना बढ़े ना बढ़े मगर मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ रहा होगा ना तो वो हर चीज को रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए इंडेक्स ऊपर जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, देखिए वॉल्यूम भी यहाँ कम वॉल्यूम से जो है मार्केट आई है नीचे, ठीक है ना, मार्केट कैपिटल ज्यादा गिरा है, वॉल्यूम कम हुए हैं और ड्रॉप भी कम हुआ है, तो ये थोड़ा सा ये यहाँ पे डाइवर्जेंस आ रहा है मार्केट कैपिटलाइजेशन पे। तो अगर देखें तो इस वीक में तकरीबन 968 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ है एज कम्पेयर टू लास्ट वीक, अगर हम देखें तो लास्ट वीक में 1.8 बिलियन राउंड फिगर में ले लें 1.8 बिलियन अच्छा वॉल्यूम जनरेट हुआ था। तो अभी इस वक्त देखें RSI, मैंने अभी बोला ना ये 70 के ऊपर 60 के ऊपर ये तकरीबन ओवरबॉट जोन में है, 70 तो अगर देखें 70 73 ओवरबॉट जोन में है, लेकिन बाद वक्त ऐसा होता है कि न्यूज अच्छी होती है और जैसे भी मैंने OGT और GGC पीपल की न्यूज शेयर की कि उसके भी कस्टमर की तरफ से पैसे रिलीज हो रहे हैं तो ये भी अच्छी खुशाइन बात है। अगर ये स्टॉक बढ़ते हैं जिनका हैवी वेटेज है तो जाहिर सी बात है आने वाले दोनों में इंडेक्स जो है और आगे मजीद बढ़ सकता है, अपसाइड मूवमेंट दिखा सकता है। तो इसी को देखते हुए मैं वही कहूंगा 100 इंडेक्स का है तो 100 आइटम में आप जो फोकस करें, मैंने पहले भी कहा था कि पावर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, ऑयल सेक्टर जिसे हम कहते हैं इस पे अभी भी जो है गुंजाइश बाकी है। OG का मैंने बकायदा फंडामेंटल भी शेयर किया था कि उसका पी रेशियो अभी भी कम है, इस राइट पे भी देखें इस प्राइस पे भी का पी रेशियो कम है क्योंकि इसका जो है ना डेट कोई नहीं है, इसके रिसीवेबल है वो मिल जाएंगे तो मजीद ही आगे जाके अपना परफॉर्म करेगा। और बाकी बैंकिंग सेक्टर में वैसे तो काफी हाई हो गए तो उसमें थोड़ा वेट करें, अच्छे जो स्टॉक है उनको आप जैसे HBL है, यूनाइटेड है, ABL है, मीजान है, फैसल बैंक है, इनको आप जो है एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बेंगल अभी है तो उनको आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं डाउन साइड पे, ठीक है, क्योंकि अभी देखें ना अगर ये मॉनिटरी पॉलिसी में अगर ये कुछ कमी होती है जैसा मैंने कहा था बिटवीन 100 टू 200 बेसिस पॉइंट, तो
तो जाहिर बात है बैंकों पे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, ठीक है ना। जब वो नीचे आ जाए, वहां पे थोड़ा सेटल हो जाए डस्ट, तो फिर उसके बाद आप बैंकिंग सेक्टर भी बाय कर सकते हैं। फार्मा पे भी फोकस रखे, फार्मा भी चला नहीं है इतना, रैली बनी नहीं है। ऑटो का मैंने कहा था कि RSI काफी हाई ओवरबॉट जोन में है, लेकिन ऑटो की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है। लेकिन अभी जो ये आप देख रहे हैं, स्टॉनिक जो है प्राइस उसने रिड्यूस किया है 17 लाख रुपीज, ठीक है। फिर इसके बाद जो है शांगंग जो है उसने भी, शांगंग ने भी कम कर दिया है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में कंपटीशन में होंडा और अपना साजगार और इंडस, ये भी अपनी प्राइस कम करें, तो इनके प्रॉफिट मार्जिन भी कम होंगे ऑब्वियसली। तो ऑटो सेक्टर पे अभी थोड़ा सा एग्रेसिव ना हो सके तो थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग, जिस तरह मैं पहले भी कहता रहा, तो 25% 50% इस पे प्रॉफिट टेकिंग करते रहें। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।